स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गॉड क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें एक बहुत स्पेशल चीज, बहुत ही खास चीज हम करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी क्या है, कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर अब सब कुछ डिटेल में हम करेंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें और समझने की कोशिश करें कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। देखिए बच्चों, कुछ कुछ आपको शायद इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम ही है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब जो चीज़ कंटिन्यूसली होती रहे। यानी अगर हम फंक्शंस की जब बात करते हैं तो फंक्शंस का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ आप कंटिन्यूसली ड्रॉ करते रहें, उसमें कोई ब्रेक ना आए, तो उसी को बोलते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो ब्रेक एट द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। यानी जिस पॉइंट पर आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पर आपका जो ग्राफ है, आपका जो फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है या नहीं, उस पॉइंट पर हम चेक करके देखेंगे कि भाई उससे जो ग्राफ आपका बन रहा है वो कंटिन्यूस बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी उसमें कोई ब्रेक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई ब्रेक नहीं आ रहा, दैट मीन फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर कोई ब्रेक आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूस ग्राफ कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें जो फंक्शन है उसमें एक्स माइनस वन और एक जीरो है और एक एक्स प्लस वन। जिस पॉइंट पर हमें इसे कंसिडर करना है, जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिया हुआ है जीरो। यानी जीरो पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम देखो एक्स की वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो ली है तो आपके पास जो फंक्शन क्या है, जीरो के बराबर है। यानी एक्स की वैल्यू आपने वैल्यू पुट करी तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। ये आपका एक्स हो गया और ये एफ एक्स हो गया। अब देखो, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो से कम लेते हो, जीरो से कम मतलब हम माइनस वन ले देखते हैं, अगर हम माइनस वन लेते हैं तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू जीरो से कम, इधर डोमेन इधर है आपका। तो आपको जब ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन कंसिडर करेंगे। एक्स की वैल्यू ली हमने माइनस वन, उसको हमने यहाँ पर पुट किया तो माइनस वन क्या हो गया, माइनस टू। एक्स की वैल्यू हमने माइनस वन ली तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू। और अगर हमने एक्स की वैल्यू माइनस टू ली तो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस टू माइनस वन कितना हो गया, माइनस थ्री। तो एक्स की वैल्यू जो आपने माइनस टू ली तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। यानी इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये माइनस वन पर जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू जब जीरो थी तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो है हमारी, तो ये पॉइंट इस पर आप नॉट लगाएंगे। लेकिन इसको आप जो नॉट का मतलब होता है कि आप इस सर्कल लगा देते हैं, आप ये वाली वैल्यू उसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू जीरो है तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर देखो, अगर एक्स की वैल्यू आपने ली मान लो प्लस वन ले ली, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू प्लस वन ली, यहाँ पर पुट करा, वन प्लस वन टू हो गए, एक्स की वैल्यू ली वन, वाई एफ एक्स की वैल्यू आ गई टू। एक्स की वैल्यू आपने ली टू तो टू प्लस वन ये आ गया थ्री। इसका जो ग्राफ है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर भी ये नोड लगा देंगे, ठीक है, ये ग्राफ आपका इस तरह से जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था, यानी जो एक्स इक्वल्स टू जीरो था, उस जीरो पर आपका जो एक पॉइंट तो यहाँ पर आ रहा है, और अगर आप उससे वैल्यू कम कर रहे हो, स्लाइटली कम कर रहे हो, यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो, तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर चल रहा है। ऐसे ही आपका जब ग्राफ, जब आप एक्स की वैल्यू वन से जीरो से बड़ी ले रहे हो तो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर चल रहा है। तो यानी ग्राफ आपका यहाँ कंटिन्यूस नहीं हो रहा, ग्राफ आपका यहाँ पर ब्रेक हो गया, आप इसको बिना पेन लिफ्ट किए बना नहीं सकते, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है, मतलब एक सिंपल तरीका है पता लगाने का कि जब आप उसका ग्राफ बनाना चाह रहे हो वो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो कंटिन्यूस। तो यहाँ पर आप पहले जब एक्स की वैल्यू जब आप जीरो से छोटी लोगे तो आपका ग्राफ यहाँ तक चलेगा, यहाँ पर आएगा, फिर आप जीरो पे इधर जाएंगे, फिर यहाँ से इधर जाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्राफ आप देख रहे हो, ग्राफ आपका ब्रेक हो गया है, जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे अगर आप देखते हैं, यहाँ पर दूसरी कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल्स टू वन, उस पर आपकी जो एफ एक्स है वो वन दे रखी है, और x इक्वल्स टू वन पर आपकी वैल्यू है टू। तो जब x इक्वल्स टू वन लिया हमने, पहले हम इसी को ले लेते हैं, x इक्वल्स टू वन लिया तो आपका जो फंक्शन है उसका ग्राफ यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब अगर मैं x की वैल्यू वन से कम करता हूँ, वन से कम करेंगे तो एफ एक्स कितना है आपके पास, वन। वन से कम करने का मतलब मान लो मैंने जीरो ले लिया,
तो जीरो लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ठीक है। और अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो माइनस वन ले लूँ तो भी एफ एक्स की वैल्यू मेरी वन ही रहेगी। अगर मैं माइनस टू लूंगा तो भी इसकी वैल्यू वन रहेगी, क्योंकि वो सभी पॉइंट जिसमें इक्वल्स टू वन नहीं है एक्स की वैल्यू, उन सभी पर जो आपका जो फंक्शन है वो आपको वैल्यू वन दे रहा है। तो इस तरह से मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये ग्राफ इधर तक आ जाएगा, लेकिन वन पर क्योंकि इसकी वैल्यू टू है तो यहाँ पर फिर आप ये नोड लगा देंगे, ठीक है। अब अगर हम एक्स की वैल्यू वन से बड़ी लेके देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू जब वन से बड़ी लेंगे तो आपने मान लो टू ली तो भी आपकी वैल्यू वन ही रहेगी, क्योंकि एफ एक्स क्या है आपका वन है। अगर आप थ्री लोगे तो भी वन रहेगी, यानी आप अगर यहाँ से इधर बढ़ेंगे इस तरफ तो भी आपका जो ग्राफ है वो यहाँ तक ही रहेगा। एक्स की वैल्यू जब आपने वन ली हुई है तो उस केस पर एफ एक्स की वैल्यू टू है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर तो देखो बिल्कुल ही अलग अलग हो रहा था ग्राफ, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी इसकी और जो राइट हैंड लिमिट थी दोनों पे अलग अलग ही ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर देखो लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वन की तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये यहाँ से जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट ली आपने राइट हैंड लिमिट ली तो दोनों वन की तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन जब एक्स इक्वल्स टू वन आता है तो उस केस में इसकी वैल्यू टू हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे अगर आप ये वाला फंक्शन देखें कि 2x square minus 5x plus 2 upon में x minus 2, फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रैशनल फंक्शन दे रखा है, तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके आपके दो फैक्टर बनेंगे। क्या क्या दो फैक्टर बनेंगे, एक बन जाएगा 2x minus 1, मैं इसके पहले फैक्टर बना देता हूँ 2x minus 1, और एक फैक्टर बनेगा x minus 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एफ एक्स आपका जो रह गया यहाँ पर 2x minus 1 रह गया। अब इस पर जब आप ग्राफ बनाएंगे, अब यहाँ पर जो ये फंक्शन था उस फंक्शन में जो x equals to 2 है उसको आप कंसिडर कर ही नहीं सकते, वो यहाँ पर डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो इसका जीरो हो जाएगा। तो जब आप इसकी x की वैल्यू 2 लेंगे तो उस केस में यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर इसकी आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से जब इसका ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके जैसे आप टेबल बनाते हैं टेबल बना लो, या सिंपली आप वैसे ही पुट कर लो कि भाई एक्स की वैल्यू आपने जीरो पुट करी तो वाई की वैल्यू माइनस वन आ गई, एक्स की वैल्यू आपने वन पुट करी तो यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा, टू माइनस वन वन हो गया। इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, और जब एक्स की वैल्यू टू तो आप ले नहीं सकते, खैर यहाँ पर टू पे तो ये क्या होगा, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। और टू से आगे जो जितनी भी और वैल्यू बड़ी है, अगर टू से वैल्यू आप बड़ी करोगे, मान लो थ्री ले हुआ यहाँ पर, तो थ्री टू जो सिक्स माइनस वन फाइव, तो थ्री होने पर इसकी वैल्यू फाइव आ रही है, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो टू की तरफ अप्रोच कर रही है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी टू की तरफ अप्रोच कर रही है, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट टू की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन टू पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो टू पर भी ये एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स ये ग्राफ भी आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो आई थिंक ग्राफ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ आपका अगर विदाउट लिफ्टिंग पेन आप बना सकते हो तो कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब क्वेश्चंस आपको दिए होंगे तो क्वेश्चन में कई तरह अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, तो उन सभी का ग्राफ बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम कंटिन्यूटी को कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लिमिट। आपको यहाँ पर लिमिट की हेल्प से फाइंड करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। हम इसको वन बाय वन करते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं, फिर इसको भी चेक करेंगे, फिर इसको भी चेक करेंगे कि लिमिट लगाने पर फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको देखो हम कैसे करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अपने पिछले वीडियोज में हमने समझाया था कि लिमिट क्या होती है, कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन, पॉइंट है जीरो। अंडर कंसिडरेशन पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर आपकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है जीरो। अब जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो डोमेन है यहाँ पर आ गया, तो फंक्शन हमारा क्या है एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जीरो माइनस वन, माइनस वन आ गया। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड से उस केस में आपकी जो x की वैल्यू है वो स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो हो रही है, दैट मींस डोमेन हमारा इधर आ रहा है, डोमेन इधर आ रहा है, तो फंक्शन आपको x प्लस वन लेना है। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस वन, यहाँ पर वैल्यू आ गई वन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, दैट मींस यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब फंक्शन आपका कंटीन्यूअस नहीं होगा। अगर हम इस केस की बात करें, इस केस में जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हो, यहां पर पॉइंट है कौन सा, 1, तो 1 पर लेना है, 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 1 से स्लाइटली लेस करनी है। अब 1 से आप स्लाइटली लेस करोगे तो इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 1 हुई, नॉट इक्वल्स टू 1 है यानी फंक्शन वहां पर आपके पास वैल्यू दे रहा है 1, तो यहां पर क्योंकि x है नहीं तो आपको कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर है वो 1 आ गया। अगर हम यहां पर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो ग्रेटर देन 1 लेंगे तो उसका मतलब भी क्या है, वो नॉट इक्वल्स टू 1 तो फिर भी रहेगा, यानी जो आपका डोमेन है वो यहीं पर रहेगा, तो यानी फंक्शन आपका यही आ गया 1, यहां पर 1 आ गया। अब यहां पर देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों तो इक्वल आ रही है, लेकिन हमने जब इसका ग्राफ देखा था उसमें ये कंटीन्यूअस नहीं था। क्यों नहीं था कंटीन्यूअस, क्योंकि अगर आप x इक्वल्स टू 1 यहां पर पुट करते हो, लिमिट x इक्वल्स टू 1 रखते हो आप सीधा, तो उस केस में जो आपका जो फंक्शन है वो 2 है यहां पर, तो यहां पर इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और अगर आप उसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो उन तीनों केसेस में आपकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तभी आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। सेम ऐसे अगर हम यहाँ तीसरे वाले क्वेश्चन में देखें, तो यहाँ पर जो एफ एक्स हमने सॉल्व किया था वो एफ एक्स हमारा बना था 2x-1, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये किसके लिए फंक्शन है, फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर भी जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो दोनों तो सेम आएगी, क्योंकि उन दोनों के लिए फंक्शन आपका क्या था 2x-1 था, तो उन दोनों पर तो आपकी सेम वैल्यू आएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं या राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू उसमें बराबर है, लेकिन इसमें x इक्वल्स टू 2 जो है उस पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उस पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, दैट मीन्स वहां पर भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा एट x इक्वल्स टू 2। तो जिस पॉइंट की बात की जाती है हमें उस पॉइंट के हिसाब से देखना है, ये नहीं है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो कहीं पर भी कंटिन्यूस नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यू पर उसका कंटिन्यूटी फाइंड करना चाह रहे हो, उस पॉइंट के हिसाब से हमें देखना है। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर बाकी किसी और फंक्शन पे आप निकालोगे तो वहां पर ये कंटिन्यूस होगा, ऐसे यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास अगर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये चीज अगर आपको प्रूव करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस, ए फंक्शन is said to be continuous if left hand limit of function is equals to right hand limit of function and direct value approaches. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू अगर आप फंक्शन में अप्रोच करते हैं, उन तीनों केस में अगर आपकी वैल्यू बराबर आती है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गई यहाँ तक कंटिन्यूटी की बात। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको एफ एक्स ही दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि जीरो पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 4x0-, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे मतलब x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 0 है, स्लाइटली लेस देन 0 का मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 हो गई, तो उस केस में आपका जो फंक्शन है वो आ गया x³+3। तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0³ + 3, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पर अगर आप राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करते हैं तो उस केस में भी फंक्शन यही है, तो उस केस में भी फंक्शन जब सेम होगा तो आप इसको जैसे हमने यहाँ निकाला, हमने अलग अलग निकाला, आप उसको एक साथ भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप एक साथ ही निकालें। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, राइट हैंड लिमिट निकाल दी, यहाँ पर तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। बराबर क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों के लिए एक ही फंक्शन अप्लाई होगा। अब आप यहाँ पर देखें कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 अगर आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है वो है 1, तो यहाँ पर आपने 1 पुट किया, तो यहाँ पर x तो है नहीं, x पुट नहीं है तो आपको उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो डायरेक्ट वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हैं उन तीनों केसेज में आपकी तीनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ डिसकंटिन्यूअस।
तो आप यहां पर दिखा देंगे बिकॉज लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस और लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस इक्वल्स टू डायरेक्ट आपने जो वैल्यू अप्रोच करी एफ जीरो। ठीक है, अब यहां पर लिमिट की जगह आप सीधा ऐसे भी दिखा दो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू दिखाओ यहां पर एफ जीरो। एफ जीरो मतलब आप यहां पर x की वैल्यू जब जीरो है तो fx की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास वन आ रही है, तो आप सीधा इस तरह से दिखा दो। तो उसमें अगर तीनों केसेस में बराबर नहीं है, ये वाला केस आपका बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। ऐसे जब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ है, जब एक ही फंक्शन दिया होगा तो आप उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालनी जरूरी नहीं है, आप निकाल भी सकते हैं लेकिन अलग अलग निकालनी आपको जरूरी नहीं है। आप उसमें क्या करेंगे, सीधा आप लिमिट एक अप्रोच करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, यहाँ पर वन दिया हुआ है क्योंकि अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये आपका फंक्शन है, इसमें आप वैल्यू लिमिट लगाओ उसमें, तो यहाँ पर वन का क्यूब आ गया टू इंटू में वन का स्क्वायर माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू और वन थ्री माइनस वन यानी टू आंसर आ गया। अब उसके बाद आप डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच करो, डायरेक्ट वैल्यू मतलब एफ वन अप्रोच करो, तो यहाँ पर क्या होगा आप सीधा फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू बराबर आएगी तो इस केस में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन। यानी जहाँ पर आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है, पॉलीनोमियल दे रखा है, तो उस केस में आपको अलग अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है आपको एफ एक्स दिया हुआ है 5x-3 और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, एट एक्स इक्वल्स टू फाइव। तो इन तीनों ही केस को आपको बस इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना है, एक बार आपको लिमिट लगानी है। ठीक है, जैसे अगर हम जीरो की बात करेंगे तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो की अगर हम बात करें तो आप क्या करना है, यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, फंक्शन आपके पास यही है तो यहाँ पर फाइव इंटू में जीरो माइनस थ्री हो गया, और एक बार आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे एफ जीरो निकाल देंगे तो उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे ये दोनों बराबर आएंगे, इसका मतलब ये जीरो पर कंटिन्यूअस आएगा। ऐसे जो बाकी इसके पॉइंट है माइनस थ्री और प्लस फाइव उस पर भी ये कंटिन्यूअस आएगा, एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जो भी पॉलीनोमियल फंक्शन दे रखा होगा आपको वो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप लिमिट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच करेंगे तो उन दोनों केसेस में आपकी वैल्यू बराबर आ जाएगी और फंक्शन आपका कंटिन्यूअस आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी बच्चों आपको वो पूछा हुआ है कि यहाँ पर शो करना है कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो यहाँ पर भी आप क्या काम करना है, आपको यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर आगे लिमिट अप्लाई करना आसान हो जाए। यहाँ पर इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक एक्स माइनस थ्री आएगा और एक एक्स प्लस टू आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, नीचे आ गया फाइव। ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल, तो आपके पास जो फंक्शन आया ये क्या बना, एफ एक्स आपके पास बन गया एक्स प्लस टू और नीचे तो फाइव है ही, और एक्स नॉट इक्वल्स टू थ्री एंड फोर एक्स इक्वल्स टू थ्री। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये फंक्शन कंसिडर करना है, ठीक है, वो वाला नहीं करना है। अब एट नॉट इक्वल्स टू थ्री पर हम चेक कर दें, ठीक है, कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है किस पर, एक्स इक्वल्स टू थ्री पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप इसमें तो कितना आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब वो स्लाइटली लेस देन थ्री, स्लाइटली लेस देन थ्री यहीं पर ही आएगा क्योंकि नॉट इक्वल्स टू थ्री तो हो ही जाएगा, वो एक्स प्लस टू आ गया इसमें फंक्शन, लिमिट अप्लाई करेंगे आप थ्री प्लस टू फाइव आ गया, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप उसमें भी सेम ही फंक्शन अप्लाई होगा, तो यहाँ भी आपने लिमिट अप्लाई करी फाइव आ गई, और अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करी एफ थ्री निकाला आपने तो डायरेक्ट वैल्यू पे एक्स इक्वल टू थ्री पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, फाइव वैल्यू आ रही है। तो तीनों केस में आप देख रहे हो कि वैल्यू आपकी बराबर आ रही है, यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ थ्री। तो तीनों केसेस में अगर आपकी वैल्यू बराबर आ रही है दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है
वो कंटिन्यूअस होगा। इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 3x + 5। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन है 3x + 5 दिया हुआ है, चेक करना है आपको कंटिन्यूस है या नहीं है। 3x + 5 और नीचे है x2, क्वेश्चन नंबर फोर चेक करना है आपको x > or = 2 एंड x < 2। ठीक है, कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एट x = 2 पर। तो यहाँ पर जब आप एट x = 2 पर चेक करेंगे तो लिमिट आपकी x → 2 लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब स्लाइटली लेस देन 2 हो गया। अब स्लाइटली लेस देन 2 करेंगे तो आपका जो डोमेन है वो कहाँ पर आ गया, डोमेन आपका इधर आ गया, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है। तो उस केस में जो फंक्शन है आपका वो x² हुआ। ये फंक्शन चूज करना बड़ा ध्यान से है, बस फंक्शन अगर आपने सही चूज कर लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे तो बस आपको लिमिट अप्लाई करनी है। 2 यहाँ अप्लाई कर दो तो 2 का स्क्वायर आ गया 4। फिर लिमिट हमने ली राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब वो स्लाइटली ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब x > 2 इधर आ गया तो फंक्शन आपका ये आ गया 3x + 5। यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई करी 3 × 2 + 5, तो 3 × 6 + 5 = 11। तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर ना आए तो डायरेक्ट वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों ही केस में बराबर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर दिखा दो सिंपली लिमिट x → 2 - fx = (limit x → 2 + fx), so it is not continuous at x = 2। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट वैल्यू भी चेक करनी है, अदरवाइज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th दोनों में आपसे k की वैल्यू पूछी गई है और फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है x = 5 पर, ये वाला है x = 3 पर। तो अब देखो कंटिन्यूअस जब दिया हुआ है दैट मींस उसकी जो डेफिनेशन है वहां पर वो फुलफिल कर रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 5 = right hand limit 4 5 = डायरेक्ट वैल्यू। तीनों चीज आपस में बराबर होगी क्योंकि फंक्शन क्या हुआ है, आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आपको चूज करना है बस उसका आप ध्यान करें। फंक्शन यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब स्लाइटली लेस देन 5, स्लाइटली लेस देन 5 मतलब आपका फंक्शन यहाँ पर आ गया 3x - 8, ये आपने यहाँ पर पुट किया = (limit x → 5 + slightly greater than 5, तो greater than 5 इधर आ जाएगा 2k = f5, यानी अगर x की वैल्यू आप 5 ले रहे हो तो equals to वाला कहां पर है फंक्शन, ये है। ठीक है, x = 5, तो इसमें आ गया 3x - 8, x की जगह यहां पर क्या पुट हो जाएगा 5 पुट हो जाएगा 3 × 5। अब यहां पर देखो यहां भी आप 5 पुट करो 3 × 5 - 8 = यहाँ पर 5 पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, तो इधर 2 की रहेगा, इधर आ जाएगा 5 × 15 - 8, इधर भी आएगा 15 - 8 = 7 = 2k = 7। अब ये तीनों ही आपस में बराबर है तो इन तीनों में से किसी भी दो को आप ले लो, उससे सॉल्व करके आप k की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से आप इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। तो 2 को इधर लाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/2। इसी तरीके से जब आप इसी चीज को यहाँ पर प्रोसीड करोगे तो यहाँ प्रोसीड करने से पहले बस आपको इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो एफ एक्स आएगा आपका, उसमें ऊपर स्प्लिटिंग रेट टर्म करोगे तो आएगा x - 3 हो गया एक तो, और एक x + 2, दो फैक्टर आएंगे। नीचे अगर आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा x - 3 और x + 1, दो फैक्टर ही आ जाएंगे। और यहाँ पर आ गया k, तो यहाँ से आप देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फंक्शन बचा x + 2 / x + 1 और x ≠ 3 और ये आ गया 4 x = 3। अब यहाँ पर भी क्योंकि आपको फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 3 = right hand limit 4 3
इक्वल्स टू में डायरेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए आपके पास क्या होगा, ये एक ही फंक्शन होगा। तो आप दोनों में से या तो दोनों को सॉल्व कर लो या एक को सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो। एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस वन, क्योंकि वैल्यू दोनों से सेम ही आनी है। और डायरेक्ट वैल्यू जब होगी, x की वैल्यू जब 3 होगी तो fx किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यहाँ पर जब आप 3 अप्लाई करोगे, 3 प्लस टू अपॉन में 3 प्लस वन, यहाँ भी ये आएगा 3 प्लस टू अपॉन में 3 प्लस वन इक्वल्स टू k, ये आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 5 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर पूछता है कि fx equals to mod x continuous at x equals to 0, यहाँ पर है x minus mod x continuous at x equals to 0। तो अगर आपको जो ग्राफ याद होंगे रियल फंक्शन के, जो ग्राफ हमने करे थे, तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वी शेप में बनता है, ठीक है, ध्यान है। यहाँ पर हमने जो ग्राफ बनाया था मॉडुलस फंक्शन का, तो कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बना था। तो यहाँ जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ भी आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो विदाउट लिफ्टिंग पेन आप बना सकते हो। यानी फंक्शन तो हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलीनोमियल है, और ये मॉडुलस फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, तो डिफरेंस भी उसका कंटिन्यूअस होगा। कोई भी दो फंक्शन अगर दे रखे आपको कंटिन्यूअस, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और अगर हम इसको प्रूव करें तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पर जो मॉडुलस एक्स है इसको आप दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, क्या क्या बन जाएगी, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मॉडुलस की दो वैल्यू पॉसिबल होती हैं, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल्स टू जीरो होगी, और यहाँ पर एक्स लेस देन जीरो होगी। अब यहाँ पर जब आप लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू, क्योंकि जीरो पे आप कंसिडर कर रहे हैं, तो स्लाइटली लेस देन जीरो लेंगे, स्लाइटली लेस देन जीरो में फंक्शन आ गया आपका माइनस एक्स। यहाँ पर आप जीरो अप्लाई करोगे तो जीरो ही आंसर आना है, और अगर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो उस केस में फंक्शन आपका एक्स आ गया, तो भी ये जीरो रहेगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पर भी एक्स इक्वल्स टू जीरो पर भी आपकी वैल्यू एक्स है, एक्स मतलब जीरो आ जाएगी। तो तीनों केस में आप देख रहे हैं कि वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। सेम काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप फंक्शन को यहाँ पर आप बना लीजिए x माइनस माइनस एक्स, ठीक है। माइनस किस केस में होगा, जब आप x की वैल्यू लेस देन जीरो ले रहे हैं, तो x माइनस ये पॉजिटिव x हो गया और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस x हो गया, यानी ये तो बन जाएगा 2x और यहां पर बन जाएगा जीरो। तो फंक्शन क्या बना आपका, फंक्शन आ गया यहां पर 2x और यहां पर फंक्शन x माइनस एक्स ही हो गया जीरो। अब यहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, जीरो माइनस पर। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब फंक्शन आ गया आपका 2x, यहां पर आप अप्लाई करेंगे x की जगह जीरो, आंसर जीरो हो गया। अब राइट हैंड लिमिट आप निकाल दें, राइट हैंड लिमिट में आपके पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पर वैल्यू जीरो आ गई, फंक्शन आपका जीरो है, आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी ये जीरो ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पर बराबर आ गई। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट वैल्यू की, तो डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी, जीरो। तो इस केस में भी तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी ये भी कंटिन्यूअस रहेगा, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 9th में बच्चों दिया हो, पूछा हुआ है आपसे, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, व्हाट अबाउट इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू 2। तो तीनों पर आपको चेक करना है। पहले अगर हम 0 की बात करें, तो 0 पे जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो इसकी जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, क्या हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस मतलब 0 से स्लाइटली लेस वैल्यू होनी चाहिए, तो 0 से स्लाइटली अगर लेस जाएंगे आप तो कहाँ पर आएगी, x लेस देन 1, 0 भी तो 1 से छोटा ही होता है, और उससे और छोटा आप जा रहे हो, तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या आएगा, 2x² - 3।
आपने यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करी तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस 3, यानी आगे वैल्यू माइनस 3। अगर आप निकालते हैं राइट हैंड लिमिट फॉर 0, तो उसमें भी जो फंक्शन है आपका वो यही रहेगा, क्योंकि आपने स्लाइटली ग्रेटर देन 0 करना है। स्लाइटली ग्रेटर देन 0 मतलब 0.1, 0.2 इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है, तो वो वैल्यू भी 1 से तो छोटी रहेगी, तो 1 से छोटी रहेगी, यानी फंक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन आपका यहाँ पर वही रहेगा, फंक्शन वही रहेगा। यहाँ पर आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो फिर से जो आपका आंसर है यही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई। अगर आप 0 पर भी निकालोगे वैल्यू, तो उस केस में भी जो फंक्शन है आपका वो यही रहेगा, क्योंकि जो 0 है वो भी 1 से छोटा ही होता है, तो उस केस में भी यहाँ पर आपको 0 ही पुट करना है और आपका आंसर फिर -3 आएगा। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस होगा, इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। यानी एक चीज आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट पर आपकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, आपको उस पॉइंट पर जरूर चेक करना है कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। उसके अलावा जो और पॉइंट होते हैं उस पर ये हमेशा कंटिन्यूस ही होते हैं, क्योंकि आप जब उसके लिए देखोगे, जब एक्स की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर 0 ली, तो 0 से आप स्लाइटली लेस करोगे या स्लाइटली ग्रेटर करोगे तो फंक्शन तो आपका सेम ही रहना है, फंक्शन सेम ही रहना, यानी वैल्यू अब तो सेम आनी है, वैल्यू सेम आनी है, यानी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ऐसे जब हम x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, तो 2 पर क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है आपने 2 से स्लाइटली लेस करी तो भी वो 1 से तो बड़ी रहेगी ना, और 2 से आपने स्लाइटली बड़ी करी, स्लाइटली ग्रेटर करी तो भी वो 1 से बड़ी रहेगी, यानी उस केस में भी आपका फंक्शन जो है 5 ही रहेगा, यानी वहाँ पर भी कंटिन्यूस आएगा। मेन जो पॉइंट होता है जो चेक करने का होता है वो यही पॉइंट होता है जो आपको दिया होता है, जहाँ पर आपकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, उस पर हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1। तो यहां पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है, x की वैल्यू आप स्लाइटली 1 से कम कर रहे हो, 1 से कम कर रहे हो, यानी यहां पर x लेस देन 1 पर ये फंक्शन आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 3। आपने यहां पर वैल्यू अप्लाई करी तो 2 माइनस 3 आ गया माइनस 1। जब आपने स्लाइटली ग्रेटर देन 1 कर दी, उस केस में आपका फंक्शन अब चेंज हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन 1 करने का मतलब है एफ का डोमेन इधर आ गया, फंक्शन आपका चेंज हो गया। अब यहाँ पर x है नहीं तो वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 वैल्यू दे रहा है, राइट हैंड लिमिट प्लस 5 दे रहा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, सो इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे अगर आप 2 पे चेक करेंगे, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 पर आप चेक करेंगे तो आपके पास फंक्शन यही आना है, उस केस में आपको कंटिन्यूस आना ही आना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस करेंगे, उस केस में भी 5 ही रहेगा। आप यहाँ पर अगर 2 प्लस करोगे, उस केस में भी 5 ही रहेगा फंक्शन, और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू भी अप्लाई करोगे तो भी उस केस में 5 रहेगा। तो तीनों केस में वैल्यू बराबर रहेगी, यानी ये 2 पर कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 10th में भी आपसे कंटिन्यूटी एग्जामिन करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है या एट x इक्वल टू 4 पे चेक करना है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, तो मॉडुलस फंक्शन को फिर आप दो अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर सकते हो। तो हमने इसको क्या करा, एक बार x अपॉन में x कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर पॉजिटिव लिया, दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इक्वल्स टू यहाँ पर आप नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू के लिए ऑलरेडी एक अलग वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर दूसरा हो सकता है x अपॉन माइनस x, उस केस में क्या होगा कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गई, और 0 तो आपको दे रखी है। तो यानी यहाँ से और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, तो एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हो इधर 1 आएगी, इधर माइनस 1 आ गई, इधर 0 आ गई, और x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 और x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर जो फंक्शन होगा 0 पर चेक करना है, सॉरी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, स्लाइटली लेस देन 0 करेंगे तो फंक्शन आपका आएगा माइनस 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करके माइनस 1 ही रहेगा। और अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन 0 निकालेंगे, तो उस केस में जो फंक्शन है आपका वो प्लस 1 आएगा, इसकी वैल्यू प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आई, तो तीसरी वाली वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस होगा, इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0।
ऐसे हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ भी आपको एक मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स जो एफ एक्स है आपका वो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस फोर अपॉन में टू इंटू में माइनस आ गया, माइनस का मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस फोर होगी, और जब यहाँ पर आप प्लस वैल्यू लेंगे उस केस में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन फोर होगी, और जीरो आपको दे ही रखी है कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू फोर पर। अब यहाँ पर भी जब आप फंक्शन को इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग, तो एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कट गया, यानी ये माइनस साइन बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन टू आ गया, तो फंक्शन क्या बना आपका माइनस वन अपॉन टू। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस वन अपॉन टू, ये जीरो फॉर एक्स लेस देन माइनस फोर ग्रेटर देन फोर, सॉरी माइनस फोर नहीं, एक्स लेस देन फोर और एक्स इक्वल्स टू फोर। तो ये आपका अब क्वेश्चन बन गया, इससे आपको चेक करना है, इसी क्वेश्चन की तरह आप यहाँ पर चेक कर दें कि जो आपकी लिमिट है लेस देन माइनस फोर और लेस देन फोर, लेस देन फोर के लिए फंक्शन आपका आएगा माइनस टू, यहाँ पर एक्स है नहीं तो इसकी वैल्यू माइनस टू ही रहेगी, और जब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आप चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपका बनेगा ये वाला वन बाय टू, इस पर वैल्यू वन बाय टू आ गई, ये दोनों भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस नहीं है, तो इट इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू फोर। इलेवेंथ क्वेश्चन में आपको बच्चों फर्स्ट पार्ट में के की वैल्यू फाइंड करनी है, कंटिन्यूस दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू वन, सेकेंड पार्ट में भी के की वैल्यू फाइंड करनी है, कंटिन्यूस दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू फाइव। तो अब देखो कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये तो आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, तो बस वही अप्रोच आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यूस दिया हुआ है इसके लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट वैल्यू, तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उसके लिए आपके पास ये फंक्शन है के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो उसके लिए आपके पास जो फंक्शन है वो दे रखा है आपको फोर। जो डायरेक्ट वैल्यू आप अप्रोच करेंगे एफ वन, एफ वन के लिए डायरेक्ट वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल्स टू वन इधर है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच कर देंगे, यहाँ पर आप के की जगह एक्स की जगह वन पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्स है ही नहीं, वहाँ पर आ गया के, इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी आपके पास फोर। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भी कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसको कंटिन्यू आगे सॉल्व करने से पहले आपको बस यहाँ पर देखो, यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर अभी फंक्शन थोड़ा सा आप चेंज कर लो, फंक्शन आपका ये बन जाएगा वन अपॉन में सॉरी एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन में एक्स माइनस फाइव, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा के, तो यानी जो इसकी जो वैल्यू है वो आपको लेनी है एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी स्लाइटली लेस देन फाइव, तो लेस देन फाइव मतलब नॉट इक्वल्स टू फाइव में आ जाएगा वो, तो इसमें आपका जो फंक्शन है वो आ गया एक्स प्लस फाइव। और अगर आप राइट हैंड लिमिट लेंगे उसमें भी यही फंक्शन रहेगा क्योंकि फाइव के बराबर तो अभी नहीं है, और फाइव के जब बराबर है तो उस केस में आपके पास वैल्यू आ रही है कि यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे आ जाएगा फाइव प्लस फाइव, यहाँ भी आ जाएगा फाइव प्लस फाइव इक्वल्स टू में के, तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ गई आपके पास टेन। तो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें भी आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो थर्ड पार्ट में कहता है फाइंड के इफ इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू फाइव, तो यानी वही लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू डायरेक्ट वैल्यू। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आप लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आ गया, एक्स लेस देन फाइव वाला फंक्शन आ गया, यानी के एक्स प्लस वन, यानी यहाँ पर आ गया के एक्स प्लस वन। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेटर देन फाइव यानी थ्री एक्स माइनस फाइव, ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर जो फाइव पुट करेंगे, फाइव पुट करेंगे तो यहाँ पर के एक्स प्लस वन में यहाँ पर एक्स की जगह फाइव पुट कर देंगे, के इंटू में फाइव प्लस वन। अब यहाँ से देखो लिमिट आप लगाओगे तो के इंटू में फाइव प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लगाओगे लिमिट
यहाँ पर आ गया 5k+1, तो ये 5k+1 आ गया। इधर से 5 3 15 -5 10, ये भी 5k+1। तो किसी भी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, मान लो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, वन को इधर ले जाओ तो 5k = 9, k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। सेम यहाँ पर, यहाँ भी कंटिन्यूस दिया हुआ है आपको x = 2 पर, तो यहाँ पर कंटिन्यूस है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर 2 = राइट हैंड लिमिट फॉर 2 = डायरेक्ट वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप लेंगे तो फंक्शन आपके पास 2x+1 है, 2x+1, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन आपके पास आ गया 3x-1, ग्रेटर देन 2 वाला लेना है तो 3x-1। और जो डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू पर आपकी आपको दे रखा है यहाँ पर k, तो यहाँ पर लिमिट अप्रोच करेंगे आप तो 2 × 2 + 1, यहाँ पर करेंगे 3 × 2 - 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी 5 आ रही है वैल्यू और यहाँ से भी 5 आ रही है, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाती तो दैट मीन्स उस केस में k की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है बच्चों, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। यानी यहाँ पर आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है, वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, ठीक है? रिलेशनशिप ए और बी के बीच में बनाना है हमें, आपको कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है 3 पर। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसका मतलब फिर वही कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो डायरेक्ट वैल्यू है वो तीनों के तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट वैल्यू। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप लगाएंगे तो उसमें आपके पास आ गया x < 3, यानी ax + 1 फंक्शन आ जाएगा, ax + 1 इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पर आ गया फंक्शन bx + 3। जो डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू के लिए देखो क्या है, x = 3, तो उसके लिए फंक्शन है ax + 1। तो यहाँ पर आप x की जगह पर 3 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपने पुट किया a(3+1), यहाँ पर आ गया b(3+3), ये आ गया 3a+1, इधर भी आ गया ये 3a+1, इधर आ गया 3b+3 = 3a+1। ये दोनों सेम आ रहे तो आप इसमें से किसी एक को स्किप कर दो, आपने इन इसको और इसको लेके सॉल्व कर लेना है। इस वन को आप उधर लेके जाएंगे, 3a+1 = 3b+3, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a की वैल्यू आ जाएगी 3b+2। तो ये आपका रिलेशनशिप आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है? यहाँ पर वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, सिर्फ आपको रिलेशनशिप फाइंड करना था। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली और आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई कमेंट होता है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।